जागरूक की टॉप 5 बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं शीतल वर्मा। तो आइए नजर डालते हैं। अमृत महोत्सव आज प्रशासन द्वारा हेरिटेज वॉक व साइकिलिंग रेस का किया फ्लैग आउट। जिला रियासी में प्रशासन द्वारा 1 अगस्त के बाद लगातार अलग अलग कार्यक्रम किए गए। हाँ बिल्कुल, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और उसी के चलते आज हमने एक हेरिटेज वॉक जो हमें अपने ऑफिस से मिनी सेक्रेटरीट कम्प्लेक्स से भीमगढ़ फोर्ट तक रखी थी और उसके बाद हमने एक साइकिल रैली जो भीमगढ़ फोर्ट से शहर बाबा तक हमने फ्लैग ऑफ की है। आज आपने देखा कि जो यहाँ की धरोहर है और हमारी यूटी की धरोहर है भीमगढ़ फोर्ट, जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में सब लोगों को जानने के लिए हमने कहा, ये कोशिश की कि सब लोग जानें कि इनकी हिस्ट्री क्या है, ये जो हमारे योद्धा रहे हैं। उसी के चलते आज हमने जब भीमगढ़ फोर्ट में हेरिटेज वॉक कंक्लूड की है तो आपने देखा कि बहुत अच्छा लग रहा है आदमी को, जो भी पार्टिसिपेंट है और जो बच्चियाँ 6th जनरेशन से बिलोंग करती हैं जनरल गुरावर सिंह जी के, उन्होंने भी हमें डिटेल्ड एक डिस्क्रिप्शन दी है कि किस तरह से उन्होंने अपनी जंगें लड़ी हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आज जिला रियासी की पुलिस ने स्वतंत्र मार्च निकाला जिसमें लगभग 2 किलोमीटर की दौड़ लगाई। 75वां इंडिपेंडेंस डे, 75वां जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है उसको मनाने का हम सबको मौका मिल रहा है। इसमें देश भर में सेलिब्रेशन मनाई जा रही हैं, हमारी यूटी में और हमारी डिस्ट्रिक्ट में भी सेलिब्रेशन हो रही हैं, जिसमें आज का दिन हमने रखा था स्वतंत्रता मार्च। स्वतंत्रता मार्च में हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग थानों की ज्यूरिसडिक्शन में, चौकियों की ज्यूरिसडिक्शन में, जिसको हम इकट्ठा एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज कर सकते थे, बट कोविड की वजह से हमने इसको छोटे छोटे पीसेज में मनाना और अपने अपने लोकल एरिया में मनाना जो है उसको बेहतर समझा है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसको मनाया जा रहा है ये वाला। रजौरी में उग्रवाद इनपुट गतिविधियों में वृद्धि के बीच आज जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP और IGP ने आज रजौरी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। देखिए, जो आपने कहा कि जम्मू के खत्ते में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां पहले के मुकाबले में जगह जगह पर सुनने को देखने को मिलती हैं, कुछ इनकाउंटर भी हुए, इसकी वजह यह है पहले तो पुलिस का जो इंफॉर्मेशन का सिस्टम है वो पहले के मुकाबले में बहुत स्ट्रांग है। हम लोगों ने अलग अलग पहलुओं को टच किया है जो कमज़ोर थे, अपनी अलग अलग ग्रिड्स को मजबूत किया है जिसमें बॉर्डर की ग्रिड, हाईवे की ग्रिड और जो इंटीरियर एरियाज की जिलों की जो ग्रिड है, तीनों ग्रिड बराबर काम कर रही हैं। यहाँ पर पाकिस्तान और इसकी एजेंसियों की कोशिश है कि जो लोग इनके किसी न किस तरीके से बहकावे में आ सकते हैं उनको एक्टिवेट करें या फिर पुराने लोग जो इनके साथ किसी न किसी सूरत में इंटच रहे उनको रीएक्टिवेट करके उनके जरिए से यहाँ पर दहशतगर्दी का जाल फिर से बिछाया जाए। मगर ये खुशी की बात है कि जहाँ जिस तरह का जाल बिछाने की कोशिश अभी तक हुई है उस हर कोशिश को नाकाम कर दिया गया है और आइंदा भी ऐसी कोशिश हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से और फोर्सेस की तरफ से मिलकर जारी रहेगी। अभी आप देखें अगर तो कल डोडा में 3 नए दहशतगर्द तैयार किए गए जिनको जहांगीर सरूरी के ग्रुप को ज्वाइन करना था, वेपन उनको मुहैया हो चुके थे मगर तीनों के तीनों ज्वाइन करने के साथ ही पुलिस ने पकड़ लिए, जो बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा एक मिलिटेंट और जो कश्मीर में दहशतगर्दों के साथ राबते में है और वो एक्टिव होने की तैयारी में है, उसके ऊपर इस वक्त पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज जम्मू में आतंकवादियों की गतिविधियों को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर संगठन के प्रधान अशोक गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा, कोई BJP, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस, कोई PDP नहीं हिंदुस्तानियों को निशाना बनाया है। जो निशाना बनाया हिंदुस्तानियों को वो गलत है और जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं चाहे वो कोई भी हैं, मैं सवाल करना चाहता हूँ, जब PDP वाले उनकी बात करते हैं उग्रवादियों की, तब वो जब हमारे साथ सरकार में बनाते हैं तब ठीक है, जब उग्रवाद की बात करते हैं तब गलत है। जब तक उन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, जब लोग ऐसे लोग जो उग्रवाद का समर्थन करते हैं उनका छुटकारा नहीं कराएंगे चाहे वो किसी भी पार्टी के होंगे, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं है। कश्मीर समस्या में चंद उग्रवादी रह गए, हम गिनती भी कर देते हैं लेकिन उनको मारते नहीं, इसलिए कश्मीर के अंदर के हालात अभी ठीक नहीं हैं।
भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। गत रात्रि भाजपा नेता की निर्मम हत्या पर पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बलिदानियों का इतिहास है। कल जिस तरीके से निर्ममता पूर्वक कायरता पूर्ण तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या की, उनके परिवार की हत्या की, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और आज हमने ये विरोध इमरान खान का पाकिस्तान का झंडा जला करके किया है। आतंकवाद की कुछ सांसें रह गई है जम्मू कश्मीर के अंदर। जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने आतंकवाद को ढूंढ ढूंढ करके समाप्त करने का काम किया है, ये आतंकवाद की बौखलाहट है। जागो जम्मू के टॉप 5 बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए जागो जम्मू के साथ। नमस्कार।